गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी अभी मैं आ गया हूँ मेरी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जो है, और वो सब लोग देखते हैं, ये है जी टावर ब्रिज। अच्छा, कुछ लोग इसको जो है ना लंदन ब्रिज समझते हैं ना ये वाला, तो ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये है टावर ब्रिज। और वो है सामने द व्यू फ्रॉम द शॉर्ट, और ये बोट्स चलती हैं, इनके पैकेजेस होते हैं, टिकट वगैरह वो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। और अच्छा, इसके बारे में ये किला टाइप बना हुआ है, इसकी एंट्रेंस पे टिकट है, तो टिकट परचेज करके आप इसके अभी अंदर जा सकते हैं। ये रहा जी हमारा टावर ब्रिज, ये मेरे पीछे रहा। अभी मैं जो है वहाँ वो ब्रिज के ऊपर जो है वॉक करके भी आप लोग जा सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो सामने से ना ढूंढता हूँ रास्ता, तो फिर जो है वॉक करते करते जाते हैं, और मैं आपको लेके जाता हूँ टावर ब्रिज के ऊपर। और ये कुछ नज़ारे हैं, ये राजी टावर ब्रिज, और इसके नीचे बोट्स भी चलती हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे उसके टिकट्स हैं तो आप टिकट भी उसकी परचेज कर सकते हैं, और परचेज करके जो है आप वो कर सकते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है, टूरिज्म स्पॉट है, तो बहुत ही रश लगा हुआ है। और मेरा जो हॉस्टल है, होटल है, वो उधर है, उसके पास है, क्या कहते हैं, हाइट पार्क के पास है। तो हाइट पार्क से यहाँ पे टावर हिल जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड मेट्रो आती है, तो मैं भी जो है वो अपना अंडरग्राउंड मेट्रो के ज़रिए आया। बस है, मेट्रो ट्रेन है, सर्कल लाइन जो है उसके ऊपर मैं आया हूँ। दो लाइन्स थी, एक डिस्ट्रिक्ट लाइन थी और एक सर्कल लाइन थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या फ़र्क है इनका। चले ये रहा जी, ये रहा जी हमारा टावर ब्रिज, ऊपर इंग्लैंड का और बरतानिया का जो भी झंडा लगा हुआ है। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ ये ब्रिज के ऊपर जो है वो जाना कैसे है, किधर से रास्ते, ब्रिज तो वो उधर से शुरू है, तो जिस साइड पे रास्ता मिलेगा फिर उसी साइड से जो है मैं इसके ऊपर जाता हूँ, और आपको ऊपर से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। वॉक कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे स्टेयर्स हों ब्रिज के ऊपर जाने के लिए, तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। ये जी आपको क्लोज से दिखाता हूँ मैं टावर ब्रिज। सूरज निकलता है कभी कभी, छुप जाता है बादलों में। ये नीचे पत्थर से लगा रखी हैं ईंटें, ये बहुत पुरानी लग रही हैं, इसके अंदर मिट्टी वट्टी कुछ भी नहीं है, गैप आए हुए हैं। तो ये रहा जी टावर ब्रिज, छेती पहुंच चुके। हेलो जी, अब आ गए जी, ऐ लगी हुई है मैं जी टावर ब्रिज साधना सब, तो बस यही ब्रिज देखते हैं तो फौरन ही जहन में जो है ना वो लंदन आ जाता है कि यही लंदन है। अच्छा, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसकी ना टिकट परचेज करनी पड़ती है, टिकट परचेज करके आप ऊपर भी जा सकते हैं इसके ना, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। और ये जी नीचे बोट्स चल रही हैं, वो सामने आप देख सकते हैं,
कुछ नज़ारे हैं जी। दरिया का पानी है, बहुत गंदा गंदा गदला गदला पानी है। चले शुक्र है आज बारिश नहीं हो रही, नहीं तो कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, तो वो बड़ा मसला होता है। ये रहा जी, नीचे वो टूरिस्ट से भरी हुई बोट है। वो सामने जो है वो है द व्यू फ्रॉम द स्टार्ट। अब मैंने सुना था उसका फ्री है, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा था उसकी टिकट की प्राइस शो हो रही थी। अब कंफर्म नहीं है कि वो फ्री है वाकई में या उसकी टिकट परचेज करनी पड़ती है। लहरस सांस फूले हुए हैं, सर्दी फुल जोर पे है और आपके भाई को चलने की आदत ही नहीं है। देखो काम चेक करो, काफ़ी टाइम हो गया, जिम भी छोड़ दी, एक्सरसाइज भी नहीं करते, वो यही मसला होता है भाई। अभी देखें सांस ऐसे फूल रहे जैसे कोई, तो व्यू दिखाता हूँ। सर मूवीज़ में भी और आप जो है ना लंदन का जैसे ही नाम आता है तो ये टावर ब्रिज की साथ ही पिक्चर आती है। वो ऊपर तक भी जा सकते हैं, उसके लिए टिकट परचेज करनी पड़ती है, तो ऊपर से भी ऐसे ही नज़र आएगा, क्या फ़ायदा टिकट परचेज करके ऊपर जाने का। अच्छा अभी मैं ना बोट के लिए चेक करूँगा, यहाँ पे मुझे मालूम है कि ऊबर की बोट्स हैं, तो आप जो है वो बुक करके तो आप जा सकते हैं उसके अंदर। और मेरा भी इरादा है कि मैं एक बोट का टूर लूँ, बुक करूँ और उसके ऊपर जो है ना मैं अंदर से व्यू लूँ। जी थोड़ा लंदन सही हो गया, मज़े की बात है। दो ही लाइन है, ट्रैफिक जाम है फुल, एक लाइन आने की एक जाने की गाड़ियों के लिए। आगे लेकिन मूव हो रही है ट्रैफिक, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे जाम है। मेरे ख्याल में आगे सिग्नल है, उसकी वजह से कभी बंद होती है, कभी ट्रैफिक जो है ना रुक जाती है। ये ऊपर चलने की जगह, आप पैदल चल भी सकते हैं यहाँ पे। वो रही वॉकी टॉकी बिल्डिंग है शायद, उसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, सामने नज़र आ रही है शेरी वॉकी टॉकी की है। ये तो पूरा हिलने लग गया भाई बस के आने से। कल मैं आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक टिकट जो है ना बस के फ्रंट पे बैठूं तो आपको थोड़ा व्यूज़ वगैरह नज़र आऊँ, लेकिन वहाँ पे पहले से ही दो लेडीज़ बैठी हुई थी, तो फिर मैंने जो है ना पीछे बैठ गया, मैंने फिर कैप्चर ही नहीं किया वो। अभी जो है बस के ऊपर भी पूरा जाम लगा हुआ है। अच्छा यार ये मुझे घोरों की समझ नहीं आती, दुबई में था तो हम समझते थे शायद इनके एरिए में बहुत सर्दी वगैरह पड़ती है, तो इसलिए ये छोटे छोटे शॉर्ट कपड़े पहन के ना तो घूम रहे होते हैं गर्मी के लिए, विटामिन लेने के लिए। इनको वहाँ पे इनके इलाके ठंडे हैं, तो हम समझते थे कि शायद इस वजह से जो है ना वो इनको इतनी गर्मी नहीं लगती। वो कल मैं आया तो इतनी सर्दी लग रही थी मुझे कि मैं अपने जेब जो है हाथों में हाथ जेबों में डाले हुए थे, और फिर से मैं देख रहा हूँ वही शॉर्ट पहन के जो है वो बाहर घूम रहे। अबे मैंने कहा भाई करते क्या हैं, क्या खाते हैं, ना इनको सर्दी लगती है ना इनको गर्मी लगती है। आपको कुछ पता है तो बताना कि कौन सी खाद खुराक खाते हैं कि ना इनको सर्दी में भी ये शॉर्ट्स पहने होते हैं, गर्मियों में भी शॉर्ट्स पहने होते हैं। आ गया जी थोड़ा लंदन, लंदन है भाई जी लंदन।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਝ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਉਤਰਤੇ ਹੈ ਨੀਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ नीचे से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। जाएंगे इधर वो हमारे बाऊ जी का घर भी है एवन फील्ड, वो जहाँ पे मैं हॉस्टल लिया था वो बराबर में ही है थोड़ा ना, तो आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे भाई। टेंशन नहीं लेनी भाई, थोड़ा लंदन आया तो पूरा लंदन घुमाएगा, चाहे मैं आप ही घुमाना है घुमा। अच्छा लगी है भूख, नाश्ता मैंने किया है और हॉस्टल में वो कॉफ़ी वगैरह थी तो वहीं से मैंने पी है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कोई पाकिस्तानी और या इंडियन रेस्टोरेंट। वैसे तो लड़ते रहते हैं हमारे ये प्यारे भाई एक दूसरे के साथ, लेकिन हम जब अब्रॉड में आते हैं ना कहीं पे भी घूमने के लिए तो हम दो ही रेस्टोरेंट सर्च कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन, क्योंकि हमारा फूड बहुत मिलता है। और दुबई में भी जैसे कि आपको पता है हम खाना जो है वो यही खाते हैं, या पाकिस्तानी या इंडियन। वो राजी का व्यू फ्रॉम द शॉट, वो ऊपर वो सामने है वॉकी टॉकी बिल्डिंग इसको बोलते हैं। और ये रह जी अपने टावर ब्रिज।